हाय एवरीवन, तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा डिफरेंशिएशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। चार मार्क्स में एक क्वेश्चन आपका जो डिफरेंशिएशन से आएगा वो या तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से आएगा जो प्रूफ करने वाला होता है, या नहीं तो फिर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए भी आपको दे सकता है, वो जो हम लोग लॉग लगा के बनाते हैं ना, वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला, उस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए इसी दोनों तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं आज, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आइए देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसमें है आपका, कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन डिफरेंशिएशन है, ठीक है। कह रहा है कि इफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है, ऐसा है। तो प्रूव करना है, प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये है आपका प्रूव करना। तो इस क्वेश्चन में यदि हम लोग डायरेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy by dx कह रहा निकाल लें, तो डायरेक्ट यदि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो बहुत ही ज्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट मत डिफरेंशिएट करिए, पहले इसको सॉल्व करिए। तो ये सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए पहले। सिंप्लीफाई कैसे होता है, पुट करने पे। तो इसमें आपको पुट करना चाहिए, एक्स के जगह पे आप पुट कर दीजिए साइन ए, ठीक है, और वाई के जगह पे पुट कर दीजिए आप साइन बी, ऐसे पुट करिए। तो यहां पर आ जाएगा ये रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर ए, x के जगह पे साइन ए आया साइन स्क्वायर प्लस रूट अंडर वन माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू ए इंटू साइन ए माइनस साइन बी, ये आ गया। अब वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का रूट होगा कॉस ए प्लस कॉस बी आ जाएगा यहां पे इक्वल टू ए इंटू, यहाँ पे तो लिखा हुआ है ही साइन ए माइनस साइन बी। अब आप फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला, तो टू कॉस सी प्लस डी, और यहाँ पे बी है तो बी देंगे, बाय टू इंटू कॉस दोनों का डिफरेंस बाय टू, ठीक है, इक्वल टू ए इंटू, यहाँ भी फॉर्मूला साइन ए माइनस साइन बी, मतलब साइन सी माइनस साइन डी वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू कॉस, माइनस है ना तो पहले कॉस ए प्लस बी बाय टू और इंटू साइन ए माइनस बी बाय टू, ऐसा हो गया, ठीक है। ये 2 से देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए प्लस बी बाय टू से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए माइनस बी बाय टू में डिवाइड हो जाएगा इससे, तो कॉस बाय साइन जब आएगा, एंगल दोनों का तो सेम ही है, देखिए यहां पे कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट कॉट ए माइनस बी बाय टू इक्वल टू ए हो गया। अब कॉट को यहां से हटाइए तो ए माइनस बी बाय टू उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स ए, ठीक है ना, फिर ए माइनस बी इक्वल टू हो गया टू इंटू कॉट इनवर्स ए, ठीक है। अब a के जगह पे हम लोग क्या दे सकते हैं, तो a के बदले में हम लोग यहाँ पे साइन इनवर्स x दे सकते हैं, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू ये 2 cot इनवर्स a, तो एक तरफ का कांस्टेंट ही है ना, ये कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है ये। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ जैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, बताइए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में है माइनस, फिर वन बाय रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इक्वल टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो जीरो हो गया। अब वन बाय रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन बाय रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से आपका डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया, देख लीजिए ये यहां आ जाएगा रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही चीज आपको, चलिए देखिए इसको प्रूफ करना है, इसमें आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो प्रूफ करना है डी वाई डी एक्स बराबर माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। आप इसमें डी एक्स बाई डी टी अलग,
क्योंकि ये x जो है वो t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, तो आप दोनों को dx by dt, dy by dt निकाल के डिवाइड करिएगा। उससे ज्यादा बेहतर उपाय है कि आप इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो रूट के अंदर में ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई जैसे होगा तो बेस सेम है तो पावर तो ऐड हो जाएगा, तो a का पावर में होगा आपका साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। तो देखिए ये रूट के अंदर में a का पावर में आ गया आपका पाई बाई टू, ये पूरा एक कांस्टेंट है, मतलब x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट आया। अब आप डिफ्रेंशिएट करिए, नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, सारा चीज एग्जाम में लिखिएगा, ये सारा चीज जो है जो भी फॉर्मूला आप यूज करते हैं, जैसे यहां पे भी आपको यहां पे लिख देने में ज्यादा समय नहीं लग जाता, साइन वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू होता है, यही आप यूज किए हैं, तो ये सारा चीज को लिखना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। जैसे कि आप यहां डिफ्रेंशिएट करिएगा तो एक्स को डिफ्रेंशिएट करिएगा तो वन हो गया इंटू वाई प्लस वाई इंटू, अब वाई का डिफ्रेंशिएशन करिएगा आप तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी का डिफ्रेंशिएशन जीरो। तो यहां से देख लीजिए आप x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई हो गया और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू होगा माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो यही आपको जो है सो प्रूव करना था। और ये चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू टेन वर्स x का होल स्क्वायर, और प्रूव करना है ये चीज आपको, ठीक है। देखिए ये y2 जो लिखा हुआ है, y2 का क्या मतलब होता है, y2 का मतलब होता है d2y टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और y1 का मतलब होता है आपका dy वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये प्रूव करना है तो दिखाते हैं आपको कैसे प्रूव होगा। इस तरह के प्रूव करने का दो तरीका होता है, एक तो तरीका है आपको कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके y1 निकाल लीजिए, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करके y2 निकाल लीजिए और यहाँ y2 और y1 रख दीजिए, LHS बराबर RHS प्रूफ हो जाएगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसी को अरेंज करके पहले दो बार डिफ्रेंशिएट कर लेंगे फिर उसको अरेंज करके उतना ला सकते हैं। तो देखिए आपको जैसे पढ़े हैं वैसी तरह बनाइएगा। चलिए देखिए डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड With respect to x, तो ये हो जाएगा y1, चूंकि यहाँ क्वेश्चन में y1 y2 यूज किया हुआ है इसलिए हम भी y1 ही लिखे, y1 का मतलब dy by dx बताया आपको हम, 2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में tan inverse x into tan inverse x का फिर डिफ्रेंशिएशन होगा तो 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपका। अब हम लोग को फिर से डिफ्रेंशिएट करना है, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 का डिफ्रेंशिएशन y2 हो जाएगा, यहां u by v पे डिफ्रेंशिएशन होगा, रूल u by v पे, तो ऊपर में है ये u नीचे में है v, तो v का पहले स्क्वायर करते हैं, रूल याद होगा आपको नीचे वाले का स्क्वायर करिए और जिसको स्क्वायर किए हैं उसको अभी ऊपर में आराम देंगे इंटू, अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन तो क्या होगा 2 इंटू 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर बीच में माइनस होता है। अब हम लोग ऊपर वाले में जो लिखा हुआ है उसको आराम देंगे 2 tan inverse x को और डिफरेंशिएशन होगा नीचे वाले का तो 2x हो जाएगा ना इसका, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x। देखिए ये यहां से यहां तो कैंसिल ही हो गया तो y2 जो है, अब आप प्रूफ जो करना है उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ y2 के मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, मतलब यही चीज है ना मल्टीप्लाई में, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाइए पहले, तो x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 बराबर, अब जो आपको है वो देखिए यहाँ पे 2 बचा हुआ है माइनस 2 इंटू टेन इनवर्स x और इंटू में 2x, ठीक है, यही चीज है आपका। अब 2 तो आपको देखिए कि 2 एक राइट साइड में रखना है, मतलब ये 2 को आप इधर ही रख लीजिए, बाकी जो ये है उसको लेफ्ट साइड में लेके आइए, उसमें भी आपका 2x को जो बचा के रखना है, 2x बचा के रखना है, मतलब आपको ये वाला चीज जो है ना इसको हटाना है, तो इसको कहां से हटा सकते हैं, देखिए आप यहां पे देखिए ये पहला नंबर इक्वेशन से आप 2 tan inverse x इक्वल टू y1 इनटू इतना हो सकता है, तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 इक्वल टू 2 माइनस, ये जो 2 tan inverse x है
इसके जगह पे हम लिख सकते हैं y1 वन इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2x का 2x रहेगा। अब इसको लेफ्ट साइड में ले आइए, प्रूव हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू वाई टू, माइनस इधर था तो प्लस हो जाएगा, 2x इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन इक्वल टू टू। ये देखिए आप, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए देखिए इसको क्या कर रहा है, x इक्वल टू साइन टी है, y इक्वल टू साइन पी टी है, और प्रूव ये करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है, x अलग दिया हुआ है, y अलग दिया हुआ है, तो ये पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म का है तो सबसे पहले तो आप x इक्वल टू ये दिया हुआ है तो इसको डिफ्रेंशिएट करिए, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा t के रिस्पेक्ट में, तो x इक्वल टू साइन टी लिख के लिख देना है कि डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में, तो ये डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस टी, है ना, तो डी एक्स बाई डी टी आपका ये आ गया। अब इसी तरह से आप इसको वाई इक्वल टू साइन पी टी जो लिखा हुआ है इसको भी दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करिए टी के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, वही बात। फिर यहां से डी वाई बाई डी टी मिलेगा आपको, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू डिफरेंशिएट करिए साइन पी टी का कॉस पी टी, है ना, और पी टी का भी डिफरेंशिएशन होगा तो पी टी का कितना होगा तो पी होगा, तो ये आ गया आपका डी वाई बाई डी टी। तो डी एक्स बाई डी टी निकल गया, डी वाई बाई डी टी निकल गया। अब आप क्या करेंगे कि वन बाई टू करिए या टू बाई वन, टू बाई वन करिए, तो डी वाई बाई डी टी में डिवाइड होगा डी एक्स बाई डी टी से, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, डी टी डी टी कट जाएगा और ये आएगा ऊपर में p इंटू कॉस पी टी डिवाइडेड बाई कॉस टी, ठीक है, इतना आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब जो डी वाई बाई डी एक्स आया है, अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डबल डिफ्रेंशिएशन आएगा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चाहिए, है ना, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करने के लिए अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहां जो cos t है तो cos t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos, ये इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो पहले नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो नीचे वाले का स्क्वायर की, फिर ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे वाले को सेम टू सेम रखते हैं, यू बाई वी रूल लगा रहे हैं, ठीक है, पी इंटू कॉस पी टी, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पी इंटू कॉस पी टी का डिफ्रेंशिएशन होगा आपका माइनस 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 साइन पी टी इंटू पी, ठीक है, ये आ गया, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस माइनस के बाद अब ऊपर में क्या था पहले से p इंटू कॉस पी टी उसको तो रखिए और साइन सॉरी कॉस टी जो है उस कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करिए, तो कॉस टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग तो कॉस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा साइन टी माइनस में माइनस साइन टी और यहां भी होगा आपका डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना, और यहां पे भी होगा आपका डी टी बाई डी एक्स दोनों जगह पे। ये क्यों आया क्योंकि हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और ये तो टी का फंक्शन था ना, तो इसलिए हम लोग को डी टी बाई डी एक्स दोनों जगह पे लिखना होगा। अब आप यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू यहां से देख लीजिए आप निकाल के, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप जो एक्स है वो किसको माने हैं साइन टी को माने हैं, तो एक्स यदि आप साइन टी को माने हैं इसका मतलब हो गया कि ये वाला चीज जो है इसको तो हम वन माइनस साइन स्क्वायर टी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर टी, तो वन माइनस साइन स्क्वायर टी, अगले बार क्या करेंगे वन माइनस साइन टी के जगह पे हम लोग एक्स दे देंगे तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, जो कि यहां लाना है इसके इनटू में आ जाएगा, ठीक है, तो वो चीज हुआ। अच्छा
अब देखिए और यहाँ पे हम लोग का पी और ये पी मल्टीप्लाई होकर पी स्क्वायर होगा और ये माइनस है तो माइनस रहेगा और माइनस को बाहर कर लिए हम लोग, ठीक है, माइनस आ गया बाहर। अब यहां से हम लोग का पी स्क्वायर हो गया इंटू कॉस टी इंटू साइन पी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस ये माइनस और ये माइनस, प्लस बना लिया। प्लस बनाने के बाद में अब कॉस पी टी इंटू साइन टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहां पे आपका डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे, तो साइन टी है ना, साइन टी का वैल्यू क्या है x, इसलिए x स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इंटू कॉस टी है तो कॉस टी इंटू साइन पी टी तो साइन पी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। डी टी बाई डी एक्स देखिए यहां से इसको पलटिए तो ये पलटिएगा तो डी टी बाई डी एक्स मिलेगा इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा तो कॉस टी बाई वन है तो अब वन बाई कॉस टी हो जाएगा तो वन बाई कॉस टी आप यहां से दे सकते हैं डी टी बाई डी एक्स के जगह पे प्लस पी इंटू कॉस पी टी इंटू साइन टी इंटू यहां भी डी टी बाई डी एक्स को हम लोग वन बाई कॉस टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि आप जो प्रूफ करना चाहते हैं उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई है, देख लीजिए यहां पे करने पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, बराबर बताइए जरा सा माइनस है तो माइनस पी स्क्वायर है पी स्क्वायर कॉस टी से कॉस टी कट गया, साइन पी टी आप कहां देख रहे हैं तो साइन पी टी का वैल्यू वाई है तो इसको वाई लिख दीजिए प्लस, ठीक है, प्लस। अब देखिए जरा सा इसको P cos PT इसको देखिए और इसको देखिए इतना चीज को देखिए आप P cos PT by cos T P cos PT by cos T ये dy by dx है तो हम लोग इसको और इसको मिला के लिख सकते हैं dy by dx और ये जो sin T बच गया sin T तो x है ना तो x आया ये sin T के बदले में x और इन तीनों के मिला के हो गया dy by dx। सबको अब बाएं तरफ ले आइए, हो गया प्रूफ आपको जो करना था, देखिए ये आ गया आपका माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो, तो ये आ गया आपका प्रूफ। अच्छा सा क्वेश्चन है ये आपका लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन और ये पूरे को घेर के है, लॉग के आगे में जो ये लिखा हुआ केवल इस पे स्क्वायर नहीं है लॉग पे भी स्क्वायर है, ठीक है, केवल यदि इस पे स्क्वायर रहता तब तो वो टू पीछे आ जाता मल्टीप्लाई में अपने आप। तो चलिए देखिए डिफरेंशिएट करिए इसको y1 y का डिफरेंशिएशन y1 x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इस पूरे को पहले चेन रूल से बनाइएगा, ठीक है, चेन रूल से बनेगा, पूरा को मान लीजिए x तो यदि ये पूरा x है तो फिर x का स्क्वायर तो क्या होता है 2 इंटू एक्स मतलब ये पूरा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, है ना, इंटू में अब लॉग का डिफरेंशिएशन वन बाई और जो आगे में रहता है लिखा हुआ ये आ गया इंटू अब x का डिफरेंशिएशन वन प्लस रूट का वन बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में अब x स्क्वायर प्लस वन का होगा टू एक्स प्लस जीरो तो 2x लिख दिए। ये देखिए यहाँ पे 2 से 2 तो कैंसिल भी हो रहा है तो y1 जरा इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं और हम लोग 2 log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 बाय x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 इंटू जरा देखिए इसको आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका यही आएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 जब ये यहां जाएगा तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस में यहाँ पे एक्स है लिखा हुआ इस दोनों को आप ध्यान से देखें तो दोनों कैंसिल हो रहा है हाँ? तो ये वाई वन इक्वल टू क्या आ गया टू इंटू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन और डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन ये वाई वन का वैल्यू आया। अब आप फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। वाई वन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वाई टू होगा, और ये जो लिखा हुआ है आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। यू वाई भी डूल, यू वाई भी लगाइए तो इसका स्क्वायर हुआ। अब जो ये लिखा हुआ है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो ऊपर में पहले जाएगा, इंटू में इसका डिफ्रेंसिएशन होता है तो टू इंटू लॉग का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन बाय लॉग का होता है वन बाय एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, अब इसका तो वन प्लस वन बाय टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, इससे पहले भी किए थे हम लोग इसको, माइनस अब ये ऊपर वाला पूरा लिख दीजिए पहले, टू लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन का होगा वन बाई टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू एक्स, देखिए टू से टू फिर से कट जाएगा, यहां भी टू से टू ये कैंसिल हो जाएगा, और टू से टू कैंसिल होने के बाद जब एलसीएम लेंगे यहां पे ना, ऊपर में जैसे नहीं हुआ था ये दोनों कट गया था, उसी तरह से यहां भी कैंसिल होगा। तो देख लीजिए आपका क्या क्या आ रहा है, y2 इक्वल टू ये रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू टू इंटू वन बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू, यहां ये आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस ये वाला x है अपॉन में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखिए ये से ये कैंसिल होगा और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये y2 के मल्टीप्लाई में आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको यहाँ कर दीजिए क्योंकि प्रूफ करना जो है उसमें लाना है ना, और टू भी आ चुका है, ये जो प्रूफ करने में टू है वो भी आ चुका है, माइनस यहाँ पे देख लेते हैं ये जो टू इंटू लॉग एक्स प्लस ये लिखा हुआ है इसको जरा सा देखिए ऊपर में आप, टू इंटू लॉग एक्स प्लस ये लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं वाई वन इंटू दिस, वाई वन इंटू दिस लिख सकते हैं, बताइए ये पूरा को हम लिख सकते हैं वाई वन इंटू दिस, तो यहां से जो यहां पे आपको ये दिख रहा है ना इसके जगह पे हम लिखेंगे y1 into this, ठीक है। तो y1 into root under x square plus 1 और 1 by x square plus 1 जो है आपका into में x है, ये तो एक से कैंसिल हो जाएगा तो x into y1 हो गया। अब सबको लेफ्ट साइड ले आइए, प्रूव हो गया, देख लीजिए वो x square plus 1 into y2 और ये है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या है बचा हुआ y1 into x, तो x into y1 equal to 2 को राइट साइड ही रहने दीजिए, ये जो 2 है तो प्रूफ हो गया जो आपको लाना था, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, इसमें आपको y equal to tan inverse ये दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है dy by dx, ठीक है। तो ये इनवर्स का सवाल है, इनवर्स का सवाल जब भी रहे और डिफरेंशिएशन करने बोले आपको तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या, उसको सिंपलीफाई कीजिएगा, ठीक है। सिंपलीफाई करने के बाद ही डिफरेंशिएशन कीजिएगा क्योंकि यदि आप अभी डिफरेंशिएट करते हैं ना, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं इसका dy by dx इधर मिल जाएगा बट इधर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए पहले इसको सिंपलीफाई किया जाता है। यहाँ देखिए आप सिंपलीफाई कैसे होगा, tan inverse के अंदर में कुछ लिखा हुआ है, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि tan inverse a माइनस बी बाई वन प्लस ए बी, ये क्या चीज का फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, ठीक है। tan इनवर्स a माइनस b बाई वन प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। तो यहाँ पे वही चीज हम लोग बनाने वाले हैं, तो ये चीज बनेगा कब, जब आप यहाँ पे वन लाएंगे, तो यहाँ पे वन लाइएगा तो b cos x से ऊपर नीचे डिवाइड करिए, तो by में इसको भी करिए, a cos x लिखा हुआ है ना तो इसमें b cos x से डिवाइड करना है सबको, b sin x लिखा हुआ है यहाँ पे b cos x से डिवाइड होगा, नीचे भी b cos x लिखा हुआ है तो b cos x से डिवाइड होगा, प्लस a sin x लिखा हुआ है तो b cos x से डिवाइड होगा, सारे जगह पे। तो ये तो हो गया आपका, कैंसिल ही हो जाएगा, तो y बराबर देख लीजिए आपका tan इनवर्स ये a by b बचेगा ऊपर में, माइनस ये तो b से b कैंसिल होके tan x बचेगा, अपॉन यहां पे 1 बचेगा, प्लस में a by b into tan x, ठीक है। ये इतना आया,
तो tan इनवर्स देखिए मिला के tan इनवर्स a मतलब ये पूरा माइनस b के जगह पे ये by 1 प्लस a इनटू b लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला पे आ गया ये। अब फॉर्मूला क्या लगाएंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स और ये tan x, ठीक है, ये इतना आएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स a by b माइनस tan इनवर्स tan x क्या होगा, x होगा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, जैसे ही अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, लिख लीजिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो देखिए y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो dy by dx इक्वल टू tan इनवर्स a by b, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि a और b कांस्टेंट है, जब tan इनवर्स का एंगल कांस्टेंट है तो पूरा क्या हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया जीरो, फिर माइनस का माइनस और x का है वन, तो आपका ये dy by dx इक्वल टू आ रहा है माइनस वन। तो यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन। बोर्ड पे आपको दिख रहा है साइन इनवर्स 2 का पावर x प्लस 1 इंटू 3 का पावर x 1 प्लस 36 टू पावर x, आपको इसमें फाइंड क्या करना है, वही dy by dx निकालना है। ये फिर से इनवर्स वाला सवाल है, तो पहले हम बताए थे आपको सिंप्लीफाई करने, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन गलती नहीं करिएगा वैसा करने का, पहले आप सिंप्लीफाई करिए। देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स, एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square, क्या होता है ये होता है 2 tan inverse x, याद है, चलिए यही लगाते हैं, इसमें तो ये दिखने रहा है 2x के रूप में ना, अभी दिखेगा तुरंत, देखिए ये आपको 1 plus 6 का स्क्वायर है ना, तो इसको तो ऐसे बना सकते हैं 1 plus 6 to the power x का होल स्क्वायर, 1 प्लस ये पूरा x का स्क्वायर, तो इसी तरह का 2x ऊपर लाना है। अब देखिए 2 का पावर में x इंटू 2 इंटू 3 का पावर x, ठीक है, 2 का पावर x इंटू 2 कैसे लिखे हम, इसको प्लस में था ना, तो अलग अलग तोड़ दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो साइन इनवर्स ये दोनों मल्टीप्लाई होके बना लिया 6 का पावर में x, और ये 2 है पहले, अपॉन 1 प्लस 6 का पावर x का होल स्क्वायर। अब देख लीजिए ये फॉर्मूला आ गया आपका, ये आ गया फॉर्मूला 2 tan inverse 2x by 1 plus x square, क्या होगा 2 tan inverse x, x के जगह पे यही 6 का पावर में x, ठीक है ना। अब आप डिफरेंशिएट करिए dy by dx equal to 2 into 1 by 1 plus 6 के पावर x का होल स्क्वायर into 6 के पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला पर है, a टू दी पावर x का a टू दी पावर x इंटू log a, तो log 6, ठीक है, तो ये हो गया आपका फाइनल dy by dx इक्वल टू 2 इंटू 6 का पावर x इंटू log 6 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इसको हम फिर से 36 का पावर x लिख सकते हैं। तो यही आपका जो है प्रूव करना है इसमें आपको y इक्वल टू, मैंने प्रूव नहीं करना है इसमें, dy by dx फाइंड करना है, ठीक है, dy by dx आपको फाइंड करना है। ये यही क्वेश्चन का हम बात किए थे, इसमें आपको कैसे बनाना, देखिए वेरिएबल का पावर वेरिएबल, x वेरिएबल और sin x भी वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, यहाँ भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल है लिखा हुआ, तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल वाला क्वेश्चन को लॉग लगा के बनाते हैं हम लोग, इस तरह का भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा थोड़ा सा। तो इसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले मान लेते हैं कि x का पावर जो साइन x है ये है u, डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना है, यदि एक ही रहता ना केवल बस इतना रहता मान लीजिए, तब आप डायरेक्ट दोनों तरफ लॉग लगा सकते थे, बट यदि दो दो छोड़ रहे ऐसा, तो पहले अलग से इसको u मानते हैं और फिर साइन x टू द पावर x को हम लोग v मानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया एक u एक हो गया v। अब आप u इक्वल टू x का पावर जो साइन x लिखा हुआ है इसको डिफरेंशिएट करिए दोनों तरफ, तो du by dx इक्वल टू क्या आया, ये log लगाना था पहले, सॉरी पहले log लगा लीजिए, log u इक्वल टू log जैसे ही लगाइएगा इसमें साइन x आ जाता है मल्टीप्लाई में, पावर जो होता है log लगाने पे मल्टीप्लाई में आ जाता है, log u बराबर क्या होगा बताइए, साइन x इंटू log x, ठीक ना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट किए, यहां पे तो आप
किए थे कि टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स किए थे। यहां पे अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो लॉग यू का क्या होगा, वन बाय यू इंटू डी यू बाय डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये यू इंटू भी, यू इंटू भी पे चलिए यू को आराम दिए, भी का डिफरेंशिएशन होगा वन बाय एक्स प्लस फिर लॉग एक्स को आराम दीजिए, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स, ये इतना हुआ। तो डी यू बाय डी एक्स तो यहां से आराम से निकल गया, यू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना। यू के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, यू को जिसको माने थे ना एक्स का पावर साइन एक्स को, ये ही यहां लिख देंगे एक्स का पावर में साइन एक्स, ये आ गया आपका डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। इसी तरह से आप भी मानेंगे किसको, साइन एक्स टू दी पावर एक्स को, तो साइन एक्स टू दी पावर एक्स को आप भी माने। तो पहले इसमें एक्स टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन अलग से करना होगा, ठीक है। तो आप पहले इसमें x टू दी पावर x को कुछ मान लीजिए t और इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए। पहले देखिए log लगाइए, तो log लगाइएगा जैसे ही, तो log x टू दी पावर x बराबर log t होगा, यहां x इंटू log x इक्वल टू log t, डिफरेंशिएट करिए तो u को आराम दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस log x इंटू x का डिफरेंशिएशन वन होगा इक्वल टू वन बाई टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो एक्स एक्स कैंसिल, वन प्लस क्या हो गया लॉग एक्स इक्वल टू वन बाई टी इंटू टी जो है यहां पे लग टी इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में आएगा तो यहां पे टी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डी टी बाई डी एक्स निकल गया। इसका मतलब डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी का जगह पे हम लोग एक्स का पावर एक्स लिखेंगे, ये माने थे यहां पे वन प्लस log x, तो आपको निकल गया कि ये t है। तो देखिए अब जरा सा, now v equal to sin t है, तो v मतलब dv by dx, differentiate किए तो sin t का होगा cos t into dt by dx, तो dv by dx equal to cos t, cos t, t का जगह पे क्या लेंगे x का पावर x, तो x का पावर x into फिर dt by dx, dt by dx तो आप पहले निकाल के यहां रखे हुए हैं, यही चीज लिख दीजिए x टू दी पावर x इंटू वन प्लस log x, ठीक है ना। तो आपको मिल गया dv by dx और आपको मिल गया है du by dx। तो अब आपका फाइनल यहां पे dy by dx जो निकालना है ना, ऊपर में देखिएगा dy by dx जो है आपका होगा, देखिए ये u y इक्वल टू क्या मिल गया है आपको, ये इसको u माने हैं और इसको v माने हैं, तो y इक्वल टू u प्लस v, तो dy by dx क्या होगा du by dx प्लस dv by dx, du by dx प्लस dv by dx, और आप यहां पे du by dx के जगह पे वैल्यू पुट कर लीजिए यहां वाला और dv by dx। अब देखिए आप ये सारा क्वेश्चन जो बताया आपको वो तो आप सीख लिए, और इसके बाद अब आप इन सारे क्वेश्चंस को बनाना है खुद से आज आपको, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन 15 क्वेश्चन टोटल मिला के हुआ, आपको बना लीजिए। डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन जो आना है आपको एग्जाम में फिक्स है, वो तो पक्का ही इसी समस्या को आएगा, नहीं तो आप इतना बना लीजिएगा तो आराम से क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बन जाएगा। ज्यादातर उम्मीद है कि आपको इसी तरह से प्रूव करने वाला आएगा, ठीक है। तो आप इन सारे क्वेश्चन को बना लीजिए, ठीक है, और जहां भी दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा।